ठीक है गाइज, जैसा कि हम लोग अब पोइट्री का पहला पार्ट शुरू कर दिए हैं, करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज बाय सर हेनरी वार्टन। उसके बाद पढ़ना है द ट्रू ब्यूटी कंपोज बाय थॉमस कैरियू। उसके बाद पढ़ना होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज बाय जॉन मिल्टन। उसके बाद पढ़ना होगा ए लैमेंट कंपोज बाय पीवी शेले। उसके बाद फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज बाय रिप्रेजेंटेटिव पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। उसके बाद पढ़ना होगा माय हिवेन कंपोज बाय नोबेल प्राइज मैन रविंद्रनाथ टैगोर। फाइनली जो सातवां पार्ट पढ़ना है द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज बाय द सेंट पोएट। अगर हम गिन कर सातों पार्ट के बारे में बता दें तो पहले पार्ट करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में 6 स्टंजा, दूसरा पार्ट द ट्रू ब्यूटी में 2 ही स्टंजा है फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी 6, 2, 8, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में 3 स्टंजा 8, 3, 11, एलिमेंट में 2, 11, 2, 13, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर में 4, 13, 4, 17, माई हिवेन में 4, 17, 4, 21 और सॉन्ग ऑफ द फ्री में 4, 21, 4, 25। सोचिए 25 या बहुत होगा 26, 25-26 स्टंजा आपको पढ़ना है पोइट्री के अंतर्गत 21 नंबर के रूप में। 26 स्टंजा गिन लीजिए, आपका टारगेट क्या है 26 स्टंजा। समय कितना है, लगभग 5-6 महीना। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ आपको नीट एंड क्लीन सिस्टमेटिकली ढंग से सब स्टंजा आपको मटवा देंगे, केवल आप सभी हमारा कोऑपरेट करें। हाँ, यह ध्यान दें कि जो वीडियो हो वह एक सीक्वेंस में हो, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा एक सीक्वेंस में, झिक जाए के स्टाइल में पढ़ाऊँगा। अगर कल का वीडियो आप भूल जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप अगर पढ़ेंगे तो उसको समझने में आपको दुविधा होगी, ये ध्यान देना गाइज, क्लियर। तो हम चलते हैं, कल हम आप लोगों को फिगर आप स्पीच का कुछ होमवर्क दिए थे, थोड़ा सा हम और आप देख लेते हैं कि हमारी पढ़ाने की टीचिंग कितना जो है प्रभावशाली है, थोड़ा आप कितना रिस्पांस दे रहे हैं, कितना लर्निंग आप इसको किए हैं हम देखेंगे। तो हम चेक करना चाहते हैं कि आप लोगों का रिस्पांस क्या मिला, थोड़ा आप लोग किए होंगे तो मिला लेंगे। फिगर आप स्पीच दिए थे वह फिगर आप स्पीच है आई बेबल ऑन द पेबल्स। अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखिएगा कि आपका क्या सही रहा। आप हम बताए थे कि जब फिगर आप स्पीच को पॉइंट आउट करना हो तो आप सबसे पहले 7 फिगर आप स्पीच का आत्मसात करेंगे, अपने मन में उसको रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे, तो आप क्या देखें आई बेबल ऑन द पेबल्स। सिमिली तो होगा नहीं, क्यों सर आप बताए हैं कि इसमें 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड तो हो, लेकिन साथ ही साथ इसके मध्य में कंपोजिशन वर्ड के रूप में लाइक सो एज रिसेम्बल्स इटीसी हो, ये तो नहीं है। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में यहाँ पर भी कोई विरोधी गुण नहीं दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई नोटेड फिगर्स ऑफ स्पीच इज नॉट बिलोंग टू द ऑक्सीमोरन। 2 हम देख लिए कि यह न तो सिमिली है न तो ऑक्सीमोरन है। एपस्ट्राफी पर गौर करें, एपस्ट्राफी में विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया होता है, रेयर केस में किसी नाउन को इंडिकेट करते समय नाउन के तुरंत बाद जो है सेमी कोलन का प्रयोग होता है, जाहिर तौर पर वह भी नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा हम गौर करना चाहेंगे
हाइपरबॉल पर, हाइपरबॉल में ओवर स्टेटमेंट का भाव होता है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बातें की जाती हैं, शायद इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद मेटाफर पर आएंगे कि मेटाफर है कि नहीं, तो हम देखना चाहेंगे इसमें पहला और दूसरा शब्द वाली बात एक नहीं हो पा रहे हैं, मेटाफर भी नहीं होगा। पार्सनिफिकेशन के बारे में हम गेस करेंगे, पार्सनिफिकेशन के बारे में क्या यहाँ पर जो दिखाई गई बात है, किसी ह्यूमन लाइफ मानव जीवन संबंधित है, यह भी नहीं है। बचा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, गुड ऑनोमेटा पोइया। आप कितने बच्चे पूछे सर जी इसका मतलब क्या होता है, बेबल का मतलब क्या होता है, पेबल्स का मतलब क्या होता है, तो हम बता देना चाहते हैं कि बेबल का मतलब यह एक नेचुरल साउंड है, एक प्राकृतिक आवाज़ है, अर्थात मैंने कंकड़ पत्थरों के द्वारा नदियों के जल से आवाज़ उत्पन्न होते हुए सुना, अर्थात एक प्रकार की बेबल, एक प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है। कभी गेस कर सकते हैं, चट्टान नदी कंकड़ पर जब जो है नदी की जल की कलकल धाराएं बहती हैं, तो कलकल धाराएं बहने से जब चट्टानों से टकराती हैं तो टकराने के उपरांत एक आवाज़ आती है, दैट्स साउंड जो होती है वह नेचुरल साउंड होती है, उस साउंड को हम बेबल की संज्ञा देते हैं। क्लियर हुआ कि इसमें आवाज़ के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण हुआ, इसलिए यह हमारा फिगर्स आप स्पीच क्या होगा, ऑनोमेटा पोइया। क्या हुआ गाइस, ऑनोमेटा पोइया। आप लोग का सही होगा, सही कर लेंगे। नेक्स्ट फिगर्स आप स्पीच था, यह ध्यान देना है, नेक्स्ट फिगर्स आप स्पीच, एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। क्या था एनेक्सिटी, ध्यान था, एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। थोड़ा गौर कर लीजिएगा, एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, इसमें कौन सा फिगर आप स्पीच है, वेरी गुड, मानवीकरण पर्सनिफिकेशन। यह पर्सनिफिकेशन कैसे हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, पर्सनिफिकेशन कैसे हुआ, फेस माने क्या होता है, चेहरा, फेस माने क्या होता है, चेहरा, और एनेक्सिटी माने क्या होती है, चिंता, क्या होता है, चिंता, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। नहीं कहते हैं आपके चेहरे से साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि आप किसी चिंता में हैं, तो चिंता उसके चेहरे, आप जाहिर तौर पर हर का भी प्रयोग हुआ है, हर का प्रयोग हुआ है, यह फेमिनिन जेंडर है, यह आपका जो है जैसे पढ़ते हैं नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में क्या आता है, आई, पॉसेसिव में क्या आता है, माई, माइन, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, मी, वी किस में होता है, नॉमिनेटिव में, पॉसेसिव में क्या होता है, अवर, अवर्स, अस, फिन सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स, यू, फिन ही, हीज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देयर्स, देम। खैर जब हम पढ़ाएंगे नरेशन तो वहाँ जब चेंज इन प्रोनाउन की बात आएगी हम बताएंगे डिटेल में। चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है, तो उसके चेहरे का मतलब या किसी फेमिनिन जेंडर से संबंध रख रहा है, यानी चिंता यहाँ पर जो प्रयोग है एज ए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, भावगत विचार है, और इसे सजीव उसमें भी जो है मानव जाति संबंध रख रहा है, इसलिए यहाँ पर यह हमारा पर्सनिफिकेशन होगा। एक बार फिर वही चयन करेंगे, लाइक सो एज इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, तो जाहिर तौर पर सिमिली नहीं होगा। फिर हम देखना चाहेंगे ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में ऐसा कोई वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है कि जो आपस में क्या हो, वर्ड अपोजिट हो, जाहिर तौर पर ऑक्सीमोरन भी नहीं होगा। फिर क्या गेस करेंगे, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी में किसी प्रकार के एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। रही बात अब जो है अनामेटापोइया की, अनामेटापोइया में क्या होता है कि आवाज़ द्वारा किसी अर्थ का स्पष्टीकरण होता है, इस वाक्य से उसका भी स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है,
अब चलते हैं हाइपरबॉल पर, ओवर स्टेटमेंट वाली कोई बात तो है ही नहीं। अब चलते हैं मेटाफर पर। मेटाफर वाली बात, जब मैं और तुम मिलकर हम हो जाते, जब हम गौर करेंगे एनेक्सिटी हर फेस, चिंता और उसका चेहरा, तो भैया अलग अलग है, सब अलग अलग बातें, नो प्रॉब्लम, किसी एक बात को लेकर नहीं हो सकती हैं। और दूसरी बात, यह मानव से बिलोंग कर रहा है, यह मानव से, ह्यूमन लाइफ, इसलिए हमारा फिगर आप स्पीच किया होगा पर्सनिफिकेशन, PERSONIFICATION। कॉन्सेप्ट क्लियर है। थर्ड जो है सेंटेंस दिए थे, 10,000 saw at a glance। ध्यान दीजिएगा, 10,000 saw at a glance। आप गौर कीजिएगा, पहले जो भी फिगर आप स्पीच को पॉइंट आउट करना होता है गहराई से पढ़िए, हर एक वर्ड पर जोर देकर पढ़िए, 10,000 saw at a glance, 10,000 सा माने देखा, 10,000 देखा, आई माने मैंने 10,000 देखा, एट माने पर्या में, और माने एक, ग्लेंस माने झलक, मैं एक दृष्टि में 10,000 कोस देख लिया। अरे हम मानते हैं कि आपकी जो है आंखें दूरबीन की तरह हैं, मैं मानता हूं कि आप बहुत देखेंगे 2 किलोमीटर, आप दृष्टि करता है, आपकी आंखें जो है गरुड़ की तरह है, आप दूरबीन की तरह देख सकते हैं, लेकिन इतना दूर नहीं देख सकते हैं 10,000। तो जाहिर तौर पर इसमें ओवर स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है। ओवर स्टेटमेंट कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? वेरी गुड, हाइपरबॉल। नेक्स्ट चौथा जो क्या हम दिए थे, चौथा था द कैमल। ध्यान रखना बेटा, द कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट। देखिए, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हमसे कितने बच्चे पूछे, सर जी अगर हमको मीनिंग नहीं मालूम होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच है। मैं आपके बात से 100% एश्योर हूँ, सहमत हूँ, सही बात है कि जब आपको मीनिंग नहीं मालूम होगा तो कैसे फिगर आप स्पीच को चूज करेंगे। ठीक है, तो उसमें से कुछ फिगर आप स्पीच तो निकाल सकते हैं लक्षण को देखकर, जैसे सिमली को देखकर, ये तो क्लियर है। अगर आपको अर्थ भी नहीं आए, लाइक्स वाइज देख लिए, पकड़ लेंगे कि बस कीजिए कि हमारा जो है सिमली है। उसके बाद इतना दिमाग लगा रहे होंगे कि एपोस्ट्रॉफी में विस्मयादी बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा, ऐसा जो वाक्य आता है हम समझ लेते हैं कि हमारा जो है क्या मार्क ऑफ एक्सक्लेम है, ओ कैप्टन माई कैप्टन पढ़े होंगे, या आपका फिगर ऑफ स्पीच आप देखना होगा, द कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट, यानी आपका यहां जो पहला वर्ड है वह क्या है, ऊंट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। देखिए, पहला वर्ड और यह शिप ऑफ डिजर्ट एक समान है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज, ये क्लियर है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, मेटाफर। हम झटका में चल रहे हैं क्योंकि आप लोग कहेंगे सर जी कल एक ही बात पढ़ा रहे हैं अब तक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पोइट्री में जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट फिगर आप स्पीच को भली भांति जान लेता है तो कमेंट हम करवाएंगे, रिफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के बाद हम कमेंट करवाना पसंद करेंगे। ध्यान देना भाई,
उसके बाद जो फिगर आप स्पीच है, सी इज एज फेस, कौन सा था पांचवा? सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? सिमिली हाउ कैन यू प्रूव इट? एज और टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड, सही गेस आप लोगों का था सिमिली। और छठा जो फिगर ऑफ स्पीच था वह था सी ही इज रेगुलरली, ही इज रेगुलरली ए रेगुलर, यही था ना ही इज रेगुलरली ए रेगुलर, क्या हम दे रहे हैं? ही इज रेगुलरली ए रेगुलर। अब गौर कीजिएगा, हम की तो सिंपल सी बात है सिमिली हो, आप छाटेंगे वही बात सिमिली है कि नहीं, लाइक सो एज का प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद गौर करेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है नहीं दिया है, इसमें ओवर स्टेटमेंट वाली बात आ रही है नहीं आ रही है, इसमें निर्जीव या भागवत विचार को सजीव मान लिया है नहीं माना जा रहा है, इसमें ध्वनि से किसी अर्थ का स्पष्टीकरण हो रहा है नहीं हो पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो विरोधी गुण एक साथ साथ है, रेगुलर का अपोजिट इरेगुलर, एक्सीलेंट, रेगुलर का अपोजिट क्या होता है? इरेगुलर। तो हम देख लिए इसको, मीनिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सिमली ऑक्सीमोरन एपोस्ट्रॉफी हाइपरबल ऑनोमेटोपोइया, पांच फिगर ऑफ स्पीच के लिए मीनिंग उतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल उसका लक्षण ही, उसकी पहचान ही प्रमुख अस्त्र होती है, क्लियर है? थोड़ा सा डाउट जो होते हैं मेटाफर और पर्सनिफिकेशन पर, शायद वो अभी डाउट क्या हो गया, क्लियर हो गया। यह कौन सा होगा फिगर ऑफ स्पीच? ऑक्सीमोरन। कैसे? सही बात, क्योंकि दो विरोधाभास गुण, दो विरोधी गुण एक साथ प्रयोग हुए हैं। उसके बाद था लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल ट्वाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल ट्वाल, गौर कीजिएगा, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल ट्वाल, यहाँ एम्बिशन माने क्या होता है? महत्वाकांक्षी या महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षी। और ध्यान दीजिएगा, यूजफुल माने क्या होता है? उपयोगी। ट्वाइल मीन्स क्या होता है? हार्ड वर्क, उपयोगी, कठिन परिश्रम। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, परिश्रम कौन करता है? व्यक्ति, वेरी गुड, परिश्रम व्यक्ति करता है। या फ्रॉम एन एलगी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का एक स्टंजा का एक लाइन है, थॉमस ग्रे द्वारा लिखा गया है, जो इस बार आपको नहीं पढ़ना है, काट दिया गया है, उसका एक लाइन है। इसमें बताया गया है कि जो कब्र में दफनाए हुए लोग हैं, कब्र में दफनाए हुए लोगों के बारे में कवि की राय है, कवि की ओपिनियन है, क्या ओपिनियन है? कि लेट नॉट एम्बिशन महत्वाकांक्षी लोगों को कब्र में दफनाए हुए उनके कठिन परिश्रमों का उपहास नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अपना जीवन जीकर लेट गए हैं, क्या जीवन उनका था, यानी ऐसे किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को उस पर ऐसा जो है हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। क्यों? बिकॉज डेथ इज द एंड ऑफ अवर जर्नी ऑफ लाइफ, क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन की अंतिम यात्रा होती है। आज वे सब कब्र में हैं, कल हम भी कब्र में सो जाएंगे,
इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर आप स्पीच हुआ, डाउट क्लियर हुआ? अर्थ हम बता दिए, बताइए कौन सा फिगर आप स्पीच होगा। एक्सीलेंट, पर्सनिफिकेशन, कौन सा फिगर आप स्पीच होगा? पर्सनिफिकेशन। और आठवां क्या था? हुज आर्मर, ऐसे करके कुछ था, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। देखिए सही स्केच नहीं है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, आप यहां पर गौर कीजिएगा, यह कौन सा फिगर आप स्पीच होगा? आपके मन में वही बात, सिमिली, सिमिली, ऑक्सीमोरन, अनमडापोइया, हाइपरबल, पर्सनिफिकेशन या? तो आपने गेस किया, सही बताया आपने, यह मेटाफर है। हाउ कैन यू प्रूव इट? द नोटेड सेंटेंस बिलोंग टू मेटाफर। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताइए। तो आप दो अपोजिट वर्ड इसमें कहाँ हैं, कहाँ दो इसमें अपोजिट वर्ड हैं? दो अपोजिट वर्ड नहीं है। हुज आर्मर, आर्मर माने कवच, अभी हम पढ़ाएंगे उसके बारे में। इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यह ईमानदार भरी सोच पर होती है। वेरी गुड, इसलिए यह आपका मेटाफर हुआ। ठीक, इस तरह से ऐसा फिगर आप स्पीच आप लोगों को दिए थे, और मुझे पूर्ण विश्वास है एक और दिए थे, लव इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ। लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, थोड़ा गौर कीजिएगा, यह कौन सा फिगर आप स्पीच होगा? मेटाफर। लगातार हम दे दिए ताकि आप लोग इसमें जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, यही मेटाफर।